एक अफवाह है कि रोलेक्स के लिए वास्तव में कारखाने को छोड़ने या रोलेक्स डिज़ाइन होने के लिए इसे 20 फीट दूर से पहचानने योग्य होना चाहिए। और आज हम देखेंगे रोलेक्स की घड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं। रोलेक्स एकमात्र ब्रांड है जिसमें बहुत विशिष्ट सौंदर्य है। वह स्पोर्टी है, वह सक्रिय है, वह उपकरण घड़ियाँ हैं जो उनके DNA में हैं। 50 के दशक में वह सबमरीनर, एक्सप्लोरर, मिलगॉस, GMT जैसी घड़ियाँ लेके आए जिन्हें डिज़ाइन किया गया था उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। यह जीवन में बाद में एक लग्जरी ब्रांड के रूप में विकसित हुआ जिसे अब सब जानते हैं। तो उनके बारे में यह दिलचस्प बात है कि शुरू में उपकरण घड़ियाँ थीं जो अब लग्जरी बन गई हैं। रोलेक्स उन ब्रांडों में से एक है जो स्पेक्ट्रम के निचले छोर पर बैठता है जहाँ तक लग्जरी घड़ियों का संबंध है, जिसमें से सबमरीनर $8,000 की है और रोलेक्स में प्रवेश स्तर की घड़ी $5,000 की है और जिसमें ऑयस्टर परपेचुअल है। उनके 3 गुण हैं, स्वयं घुमावदार, जल रोधक और सटीकता है, और वे वास्तव में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और रोलेक्स बनाने में 1 साल का समय लगता है, वे व्यापक परीक्षण से गुजरते हैं। सटीकता समय, कालक्रम या सही समय बताने के बारे में है। उनके पास व्यापक सेवा कार्य भी है, इसलिए यदि आपको अपने रोलेक्स के साथ कोई समस्या है तो आप इसे उनके पास लेके जा सकते हैं और वे इसे ठीक कर देंगे। 1,000 बार निकलने से पहले क्लैप को खोला और बंद किया जाता है। जब ये मिलती है आपको पता चल जाता है कि ये टूटने वाला नहीं है। एक रोलेक्स खरीदने का यह मतलब है कि अगर आप इसका ध्यान अच्छे से रखेंगे तो ये 20 साल तक चल सकती है, यह 100 साल तक भी चल सकती है अगर आप वास्तव में इसका देखभाल रखें तो। आखिरकार वे इतने महंगे हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जो आपको जीवन भर चलेगा और कुछ ऐसा जो आप दूसरी पीढ़ी को भी दे सकते हैं। कलेक्टरों की दुनिया में विंटेज रोलेक्स का भी मार्केट है और विभिन्न बारीकियों का एक पूरा भूमिगत है, जैसे एक GMT जो मैट डायल के साथ है और एक GMT जो गिल्ट डायल के साथ है, और इन सभी छोटे छोटे विवरण हैं जो बदलते हैं और वह घड़ी को अधिक या कम मूल्यवान बनाते हैं। पॉल न्यूमन डेटोना जो पिछले वसंत में $17.8 मिलियन में बिका है और यह सबसे महंगी रोलेक्स है जो आज तक नीलामी में बिकी है। पॉल न्यूमन डेटोना एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां वे 70 के दशक में डेटोना के साथ आए और उन्होंने उन पर यह एक्सक्लूसिव डायल लगाए और वे उन्हें बेच भी नहीं पाए, और अब वे पुराने बाजार में सबसे अधिक संग्रहणीय घड़ियाँ हैं। ये कोई नहीं जानता कि प्रति वर्ष कितने रोलेक्स का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ प्रति मॉडल का भी। पर कुछ विशिष्ट घड़ियाँ हैं जैसे रेनबो डेटोना जो पिछले साल लॉन्च हुई। अफवाह है कि X राशि बनाई गई है लेकिन बहुत कम मात्रा में, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि नंबर क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी सारी नहीं है और उन्हें पाना मुश्किल है। रोलेक्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें कोई भी पहन सकता है, वह बहुत यूनिसेक्स है और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार ब्रांड घड़ियों पे तरह तरह के हीरे लगा देते हैं फिर इसे प्रस्तुत करते हैं एक महिला की घड़ी के रूप में, जबकि रोलेक्स वही काम करता है लेकिन यह एक तरह के यूनिसेक्स है। और लड़कियों की डेट जस्ट वास्तव में 2 टोन में है और वो आज तक की सबसे अधिक बिकने वाली रोलेक्स मॉडल है, जो वाकई में एक मज़ेदार तथ्य है।